अपनी सेल्फ अर्निंग से बनवाई थी अपने। कुछ लोगों को लगता है कि शो ऑफ हो जाता है, जिससे कि आपको पता चले दरवाजा है छोटे छोटे से झुमकी। वेलकम बैक टू माय वीडियो, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया है, आज मैं करने वाली हूँ अपना इयररिंग्स कलेक्शन। के मेरे पास कितने सारे इयररिंग्स हैं, बिकॉज मुझे किसी ने बोला था ज्वेलरी कलेक्शन के लिए, बट गाइस मेरे पास ज्वेलरी तो क्या ही ज्वेलरी, इसलिए मैंने सोचा मेरे पास इयररिंग्स है तो मैं इयररिंग्स दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि मेरे पास कितने सारे इयररिंग्स हैं गाइस। तो आज हम करेंगे गाइस इयररिंग्स कलेक्शन। ये मैं दो बॉक्स लेके बैठी हूँ, एक में मेरे ट्रेडिशनल वारे जो ट्रेडिशनल लुक पे जाते हैं, और एक में मेरे वो इयररिंग्स हैं जो सारे वेस्टर्न लुक पे जाते हैं। तो दोनों बॉक्सेस में अलग अलग हैं। सो मैं आपको एक एक इयररिंग्स दिखाऊंगी। कलेक्शन में किस लिए कर रही हूँ, आपने लास्ट वीडियो में तो सब चीज़ मेरी सुन ली होगी ना, मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ गाइस। गाइस ये ऑर्गेनाइजर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। हमने मीशो से नहीं, हमने दुकान से लिया था। नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला ऑर्गेनाइजर तो मैंने शॉप से लिया था। इससे छोटे वाले हैं जो कि मैंने मीशो से मंगाए थे, बट गाइस ये बड़े बड़े हैं। और इसमें ना इयररिंग्स बिल्कुल भी खराब नहीं होते। मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगी कि आपके पास भी अगर बहुत सारे इयररिंग्स हैं ना, आप लोग भी ना ऐसे प्लास्टिक शॉप पे जाके किसी, और आप ऐसे ऑर्गेनाइजर बॉक्स ले सकते हो। इसमें ना इयररिंग्स एकदम अपनी जगह पे रहते हैं, और कोई लजने का डर नहीं रहता, ना टूटने का डर रहता। जब से मैंने इस ऑर्गेनाइजर में अपने इयररिंग सेट किया ना, मेरा एक भी इयररिंग नहीं टूटा। नहीं तो मेरे डेली के, जब भी मैं रेडी होती थी, जब भी मैं वीडियो बनाती थी, तभी मेरा एक आधा इयररिंग तो पक्का टूटता था। स्टार्ट करते हैं अपने फेवरेट इयररिंग से। स्टार्ट करते हैं, सबसे फेवरेट इयररिंग्स है जो मैंने बहुत बार पहन ली, बहुत बार मेरी बहुत सारी वीडियोस में, काफी सारे फंक्शंस में, काफी जगह पहन ली है मैंने, वो इयररिंग्स है गाइस। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ये मेरे फेस पे बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कैसे लगते हैं। जो फर्स्ट टाइम पहने थे मैंने इतने बड़े वाले, और इसी से मुझे पता चल गया था कि मेरे फेस पे बड़े इयररिंग्स बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, तो मैंने काफी सारे बड़े बड़े इयररिंग्स खरीदे। लेकिन जो गाइज अभी मैं एकदम न्यू लाई हूँ गाइज, ये वाले में जो दिखाया वो सरोजिनी नगर से लाई थी, और सेकेंड है ये वाले गाइज, ये मैंने लिए है लाजपत नगर से, और अभी तक मैंने इनको नहीं पहना है क्योंकि अभी मैं इनको रिसेंट लेकर आई हूँ। कैसी आवाज आ रही है इनमें, नाइस ना, पहन के दिखाती हूँ गाइज कैसे, मैंने अभी पहन के नहीं देखे। दरवाजा है, टूट जाएगा, सॉरी गाइस। गाइस ये कुछ ऐसे लगते हैं इयररिंग्स। जितने भी मेरे इयररिंग्स हैं ना, लाजपत नगर सरोजिनी नगर से ही लिए हैं। बाकी कुछ इयररिंग्स होंगे जो मैंने अर्बेनिक से मंगाया वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, H&M वाले भी दिखा दूंगी। नेक्स्ट छोटी छोटी से झुमकी, कुछ ऐसे लगते हैं गाइज। ये भी मैंने अभी नए न्यू एकदम नए वाले इयररिंग्स है जो अभी तक नहीं पहने मैंने, तो आपके सामने ट्राई करती हूँ। पहले लाजपत नगर से लिए, बहुत जल्दी मैं इनको अपनी वीडियोस में पहनने वाली हूँ गाइज। नेक्स्ट है गाइज ये झुमका इयररिंग्स। इयररिंग्स का पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा ही शौक चढ़ गया है गाइस। भी मैंने न्यू अपनी वीडियोस बनाने का जो कंटेंट है वो चेंज किया है ना, तो उसमें मैं साड़ी वगैरह ज्यादा पहन के वीडियोस बना रही हूँ, तो उनमें इस टाइप के इयररिंग्स काफी सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट है इसके, मेरे पास दो पेयर है, एक मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए और एक मैंने खुद ले लिया था। मम्मी को पता नहीं था कि मेरे पास ऑलरेडी है सेम ऐसा, तो मम्मी भी ले आई, मैं भी ले आई। जो दूसरा वाला है वो इसका छोटा है, दिखा दे सर, इसका बड़ा है। ये वाले मम्मी लेकर आई थी और ये वाले मैं लेकर आई थी गाइस, दोनों सेम ही है बस। नेक्स्ट इयररिंग्स है गाइस ये ब्लैक इयररिंग्स, और गाइस इसमें भी सेम चीज हुई, ये मैं भी ले आई थी और मम्मी भी ले आई थी, बिकॉज मेरी मम्मी को कुछ भी मेरे लिए दिखता है ना अच्छा था, तो मम्मी मेरे लिए लेके जरूर आती है। इसके भी मेरे पास दो पेयर है, एक ये वाला और एक ये वाला जो मम्मी लेकर आई थी। ये थोड़ा सा पतला है और जो मम्मी मेरे लिए लेकर आई थी वो थोड़ा से मोटे मोटे हैं। नेक्स्ट इयररिंग्स है गाइज ये वाले। गाइज ये वाले बड़े वाले इयररिंग्स ना इस ऑर्गेनाइजर में ना एक कंपार्टमेंट में नहीं आ पाते, तो इनको ना दो में एडजस्ट करके रखना पड़ता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे एडजस्ट करके रखना पड़ता है। सो गाइज ये बड़े इयररिंग्स भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं कि बड़े बड़े इयररिंग्स तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग गए हैं मेरे को,
छोटे इयररिंग्स इतने अच्छे कि टूट गया के तो पहना भी नहीं है भाई। ये टूट गया क्या? लड़ी एक लग रही है। हाँ दिख रही है, पता नहीं शायद ये टूट गया। इनकी छोटी छोटी जो नीचे की लड़ियां होती है ना वो शायद निकल जाती है, बाकी ये कुछ ऐसा लगता है। मेरे पास ना मोस्ट ऑफ द इयररिंग्स जो है जो मेरे को मतलब ट्रेडिशनल लुक पे पहनने होते हैं वो ना सारे इसी कलर में है, सिल्वर कलर में। यही वाले इयररिंग्स ज्यादा पसंद आते हैं। जिसने भी लिखा था ज्वेलरी कलेक्शन के लिए, इसकी ना इस साइड की लड़ियां टूट गई है और बाकी ये दूसरा वाला तो ठीक है एकदम। कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ना ऐसे कोई सेट या नेकलेस वगैरह ऐसी कोई ज्वेलरी की वो नहीं है कलेक्शन कुछ, क्योंकि मैं नहीं पहनती हूँ ज्वेलरी वगैरह। सिर्फ मेरे को इयररिंग्स का ही शौक है और ये चेन जो कि मैंने खुद से अपनी सेल्फ अर्निंग से बनवाई थी अपने लिए, तो बस मेरे को यही पसंद है। और ये गाइस पेंडेंट भी जो इसके अंदर है, मेरे को एक कोलैबोरेशन में ना मतलब 4-5 चेन्स आई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी अगर इसमें होगी या फिर निकाल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें ना एक लॉकेट आया था जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था, वो ऐसा लॉकेट था। तो मुझे था कि जब भी मैं अपने लिए चेन बनवाऊंगी ना तो उसमें मैं ऐसा पेंडेंट डलवाऊंगी, तो जाके मैंने ये पेंडेंट डलवाया था। तो मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है, मैं हमेशा अपने गले में आपने देखा होगा हमेशा ये पहन के रखती हूँ। वैसे मैं बताना नहीं चाहती बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि शौक हो जाता है, तो इसलिए ही बाकी अभी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट रीसेंट लेकर आई हूँ मैं गाइस छोटी छोटी झुमकी। थोड़े दिन पहले लाजपत नगर का ब्लॉग डाला था ना, जो ये मैं नई बता रही हूँ ना ये तभी लेकर आई हूँ। तो ये गाइस कुछ ऐसी लग रही है। गाइस ज्वेलरी की बात करें तो मेरे पास ये एक और नेकलेस है, इसी में रखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। ये नेकलेस है, ये मैंने किसी की शादी में खरीदा था। गाइस इतना महंगा दिया था ना, पता नहीं क्यों ये इतना महंगा है, बट उन्होंने बोला था इसके स्टोन नहीं निकले और सच्ची इसके स्टोन नहीं निकले, उसका इतना टाइम भी हो गया, बट ये अच्छा है ठीक है। और इसको ऐसे पहनते एकदम चिपका के गाइस गले से। तो ये मेरे पास यही है, सेट वेट नहीं है मेरे पास। एक और है जो मैंने वीडियोस के लिए ही खरीदा था, ये तो मम्मी लेके आई थी, मैंने खुद से नहीं खरीदा था। तो ये जैसे ड्रेस और जीन्स वगैरह, तो वो वाली चेन्स तो मेरे पास बहुत सारी है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी क्योंकि वो इस वाले बॉक्स में रखी हुई है, अलग अलग सिस्टम किया हुआ है ना। नेक्स्ट है गाइस ये मैं पहन के नहीं दिखा रही, बहुत टाइम लग जाएगा ना, ये भी किसी शादी पे ही ली थी। नेक्स्ट है गाइज ये झुमकी, झुमका या एयरिंग कुछ तो है ये झुमके के साथ, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगता है, ये तो मैं पहन के दिखा सकती हूँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट है ये एयरिंग्स, पता नहीं ये एयरिंग्स मैंने क्यों लिए थे, मुझे अच्छे नहीं लगते, अभी इनको निकाल दूंगा मैं इस बॉक्स से। ऐसे एयरिंग्स है, अच्छे नहीं दिख रहे ना, दिख रहे हैं अच्छे पर ये मुझे पसंद नहीं है, मैंने पहने एक प्रमोशन में पहने थे बट ये मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट है गाइज ये जो अभी मम्मी मेरे लिए सेट लेकर आई थी ना, ये उसके साथ की इयररिंग्स है, ये भी मैंने काफी बार पहने हैं। नेक्स्ट है गाइज ये पिंक कलर की झुमकी, ये भी किसी शादी वादी के लिए ही ली थी मैंने। ये सबसे महंगी इयररिंग्स है ना गाइज, मैंने अपनी दीदी की शादी पे ली थी, मुझे काफी सुंदर भी लगती है और इसके साथ मांग टीका भी है, मतलब मैंने मिक्स मैच करके लिया था, इसके साथ मांग टीका नहीं है, मैंने अलग से मांग टीका लिया था बट इसके साथ ही पूरा मैच होता है ये, तो इसलिए थोड़ी सी एक्सपेंसिव है गाइस। नेक्स्ट है गाइस ये स्टार इयररिंग्स, झुमका स्टार इयररिंग्स, मैंने खुद ही नाम रख दिए इनके। सो गाइस ये है बहुत छोटी छोटी सी झुमकी, ये अच्छी है, क्यूट है ना ये, पहन के लगते हैं ऐसे। सो गाइस ये कुछ ऐसी लगती है, सुंदर सुंदर सी, ऐसे सिंपल सी कोई कुर्ती पहनते है ना तो उसपे काफी अच्छी लगती है। नेक्स्ट ये तो बहुत ज्यादा चल गए, मतलब सब नहीं पहन लिए मुझे लगता है ये वाले इयररिंग्स। नेक्स्ट है गाइस ये इयररिंग्स, ये सुंदर है, बहुत सिमिलर सेट पहन के नहीं दिखा रही। नेक्स्ट है गाइस वन मोर ग्रीन कलर की झुमकी, ये भी मैंने अपने ग्रीन लहंगे के साथ ली थी मेरे भैया की शादी में। नेक्स्ट है ये स्काई ब्लू झुमकी, डल दिखता है बट इसका कलर ही ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे बहुत पुरानी है बट ये पुरानी नहीं है गाइस। और स्टार्टिंग में जब मैंने इयररिंग्स खरीदे थे ना तो ये वाले इयररिंग्स, मतलब जो मैंने सबसे फर्स्ट दिखाए थे ये वाले इयररिंग्स और ये वाले इयररिंग्स, ये दो इयररिंग्स मैंने खरीदे थे। उसके बाद से मुझे शौक चढ़ा था कि यार मुझे इयररिंग्स वगैरह लेने चाहिए, तो जाके मैंने गाइस अपनी कलेक्शन में ऐड करने स्टार्ट किए सारे इयररिंग्स। महल वहल का डिजाइन है इसमें गाइस। अभी मेरे को एक बॉक्स ही दिखाने में इतना ज्यादा लंबी वीडियो हो गई, तो मुझे लग रहा है अगर मैं दूसरा बॉक्स भी दिखाऊंगी और इसमें तो चेन्स वगैरह भी है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि
यहीं पे इसको एंड कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल सकती ना, थोड़ा सा एडिट में मुझे दिक्कत होगी, आलस खा जाऊंगी। इसी बॉक्स की कलेक्शन का कभी नेक्स्ट टाइम करूंगी वीडियो। इसके साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, होप करती वीडियो में मजा आएगा। अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बताना सबसे अच्छा इयररिंग्स कौन सा लगा। अगर आपको इस बॉक्स के इयररिंग्स भी देखना है तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करना, तभी करूंगी नहीं तो नहीं करूंगी। बाकी कल मिलते हैं ब्लॉग साथ, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पीस।